नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं बम्बम कुमार। झारखंड पंचायत चुनाव की खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हैं गोड्डा जिले के बुआरीजोर प्रखंड में। यहां एक पंचायत है डकैता। यहां के एक प्रबल दावेदार मुखिया प्रत्याशी हैं वायलेट मैरी मुर्मू जी। इनका चुनाव निशान है दूरबीन छाप, क्रम संख्या 5 पे अंकित हैं। ये पूर्व में इस पंचायत की पंचायत समिति भी रह चुकी हैं। पंचायत समिति पद आधा पंचायत में होता है, यानी एक पंचायत में दो पंचायत समिति पद होते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पंचायत समिति रहते इन्होंने कितना विकास किया, अब बाद में जो भी बचा खुचा है उनको मुखिया पद पे रहने में ही पूरा करेंगे। पिछली बार जब मैं पंचायत चुनाव में जीती, हमारी जनता लगेता पंचायत के आधे जनता हमको जिताए बहुत उम्मीद से, लेकिन हम लोगों को वैसा कुछ फंड मिला ही नहीं था जो कि विकास किया जाए। लेकिन फिर भी मैं पहले से ही सामाजिक कार्य करता रही हूँ, समाज की कुछ काम कर रही हूँ, तो उस कारण से मैं जनता को जैसे उनकी ज़रूरत हो हमारे पास आते थे। मैं हर ज़रूरतों को, हर क्या बोलते हैं उनके कुछ काम छोटे बड़े अपने हिसाब सुख दुख में मदद की हूँ और हमेशा उन लोगों के साथ में रही हूँ। और इस बार मैं पंचायत चुनाव के मुखिया पद में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पर महिला आरक्षित है ST, और पंचायत समिति रहते कुछ काम नहीं हुआ। इस कारण मैं आज बहुत दुखी हूँ। अपने पंचायत में बहुतों का जो ज़रूरतमंद का आवास होना चाहिए उनका प्रधानमंत्री आवास नहीं हुआ है। वृद्धावस्था पेंशन से भी बहुत कोई वंचित हैं, विधवा भी और वृद्ध भी, और दूसरी बात कार्ड के लिए भी बहुत कोई अभी तक मिला ही नहीं है जिनको ज़रूरत है। वैसे लोगों को आज दिया गया है जिनका फोर व्हीलर है और पक्की मकान है, उन लोगों का भी कार्ड है। अमीरों का राशन कार्ड बन गया है, गरीब सब इससे वंचित रह गए हैं। तो इसके लिए भी मैं पंचायत समिति रहते हुए बहुत बार लड़ने की कोशिश की और लड़ी भी हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन लोगों का कार्ड अब तक रद्द हुआ ही नहीं है, मिल ही रहा है। ऊपर से हमेशा यही सुनने में आया है कि जांच होगा, इन लोगों का कार्ड रद्द किया जाएगा और गरीबों को इनके हक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झारखंड पंचायत चुनाव का अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। इस वक्त हम हैं पंचायत बाबूपुर में। यहां से मुखिया प्रत्याशी हैं सुशीला सोरेन जी, जिनका चुनाव निशान है दूरबीन छाप, क्रम संख्या 5 पे अंकित है। क्या क्या चुनावी वादा आप जनता से कर रही हैं अभी? हम जनता को यही सजेशन देते हैं कि जब हम जीत जाएंगे तो हमारे गांव में जो समस्या है उस सब का निदान करूंगी। क्या समस्या है मुख्य आपके गांव की? हमारे गांव में गरीबों को इंदिरा आवास नहीं मिलता है और जहां जहां नल खराब हो जाती है उस सब भी ठीक नहीं करवाते हैं। तो हम जीत जाए अगर उस सब का नल सब जो खराब है वो ठीक कर देंगे और जो है नल ठीक करवा देंगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिला देंगी। और राशन कार्ड का क्या समस्या है? अगर किसी का राशन कार्ड नहीं है तो हम उसका भी व्यवस्था कर देंगे, राशन कार्ड भी व्यवस्था करेंगे। शौचालय आपके पंचायत में कितना बना है? हमारे गांव में लगभग सबका बन गया है? नहीं, सबका नहीं बना है शौचालय, जबकि यहाँ मुख्य जो है अभी चल रहा है योजना कि घर घर शौचालय का निर्माण करना है, तो उसमें आपका पंचायत पीछे रह रहा है। हाँ, कितना वार्ड है आपके पंचायत में? 12 वार्ड है। तो 12 वार्ड जो है मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है? नहीं, 12 वार्ड मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ जनता भी है, आइए उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? ये ना दूरबीन छपारे वोट करते नई मुखिया जितेवे और नई मुखिया जितेव करते पंचायत
कमी नेल तलेया आ नुई ढीर से ढीर भोट ते जीते गते आले मुखी वाले उठु गया ज्यादा से ज्यादा भोट से जीते नुंडे जारो आओ कान गो बाबा बोहा मिश्रा आर कटी कटी गिदर को सनाम को इन से खय गुण मनाओ जोहार नुंडे तिंग नुंडे इन बापुर पंचायत रे मुख्य प्रत्याशी रूप रे तिंगु वकान ताबोना एंते बाबूपुर आतु रे आयमा लेकाना बापुर पंचायत रे आयमा लेकाना समस्या नेल के ते सरीगी तिहिन इन दो मिटे अडी रेंगे इनाचार ओडा खय तिंगु कटे एकाना चिदा एंते इन दो अंकुठे खय सहयोग इन खोजो कना नोआगी जे नो इने दो 5 नंबर रे मिना तिने दूरबीन छपा आर दूरबीन छपा रे वोट कते जितेउ इन ताबुन पे आर आबू आतु रे जहां लेकाना समस्या होयुआ उना उना समस्या उना समस्या निधाना चिदा एंते नो आयमा लेकाना आयमा लेकान मुखिया गुन नेल के कुआ आयमा लेकान मुखिया गुन नेल के कुआ नीत हबी आबू बापुर पंचायत रना समस्या बाकु निधान दाड़ियादा सरीगी उना कु दुख कष्ट नेल कते तिहिं रेंगे बांग दिया कते इ नोंडे तिंगु कटे कना मेन खा जानता ठे कोई नोआगी सहयोग इन खोजो कना जे इन तिहिं जितेउ इन ताबुन पे आर इन थे आपे रेंगे लय सदर ताबुन पे आर ओना रेंगे इन कमी ताबुना नोआगी इन दो जानता ठे कोई आस आर नेहर मिना तिने जोहार जतो। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है और इस वक्त हम हैं ललमटिया में। यहाँ एक ग्राम पंचायत है बड़ा भोड़ा है। यहाँ के निवर्तमान मुखिया हैं मरंगमय टुड्डू। उनके निवेदक हैं मनोज कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं कि 5 साल के दरमियान इन्होंने किस तरह जनता की सेवा की और किन किन योजनाओं को कार्यान्वित किया। जी सबसे पहले तो न्यूज 24 को यहाँ आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। जी हमारे जो मुखिया थे वर्तमान मुखिया जो थे मरंगमय टुड्डू जिसने हमारे पूरे बुहारी जो प्रखंड के बड़ा बड़ा पंचायत थे पिछले बार जो उम्मीदवार थे ठीक है उन्होंने पूरे बारह टोला भड़ाई में तो नहीं कार्य हो पाया जितना होना चाहिए था क्योंकि उस समय शायद फंड भी नहीं थे लेकिन जितना भी फंड आया मुखिया तरफ से वो काम किए हैं जिसमें से जैसे इंदिरा आवास हुआ इंदिरा आवास 75 टो किए हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं रोजगार ग्रामीण जो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो होता है उसमें 3 किए हैं और मनरेगा में मनरेगा 3 योजना किए हैं। हाँ जी उसके बाद क्या बोलते हैं फेवर ब्लॉक ठीक है रिपेयरिंग का कार्य उसमें भी नया बड़ा जो प्रधान टोला है वहाँ पर किए हैं और उस तरह का तो ऐसे बहुत ही कार्य किए हैं लेकिन पूरा पंचायत में लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल से होना चाहिए था उतना नहीं हो पाए लेकिन इस बार जो बचा खुचा काम है वो इस बार हाँ उसको जो टारगेट उसको जरूर पूरा करेंगे। इस बार सबसे हम लोग निवेदन करते हैं सबको इनका सहयोग भी रहेगा। इनका कहना है कि जो भी बचा खुचा काम है इस पंचवर्षीय में पूरा करने का काम मुखिया जी द्वारा किया जाएगा। अच्छा मुखिया जी ये बताइए 600 से लेकर 800 पंचायत में मिलता है प्रधानमंत्री आवास आपने 75 किया बाकी कहाँ भेज दिए। जी वो तो मिलता है हम भी मानते हैं लेकिन आपने किया जी का कहाँ गए वो बताइए ना। जी फर्स्ट बात तो देखिए यहाँ हम लोग का कोल माइंस क्षेत्र ठीक है तो हम लोग का जो सरकारी जो फंड आता है वो यहाँ जो इसल विस्थापित हुए हैं उन लोगों को यहाँ इसल वाला मतलब मना कर दिए हैं कि यहाँ इसल का जो विस्थापित गांव है उसको सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए इसके कारण है ये काम नहीं हो पाया। लेकिन जो इसल से जो प्रभावित नहीं है वहाँ ये काम हुआ है। इसल प्रभावित रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में नहीं दिया जा सका ये कहना है मुखिया जी के निवेदक मनोज जी का। आइए यहाँ कुछ ग्रामीण भी है उनसे जानते हैं कि इनके कार्य से कहाँ तक संतुष्ट है। नमस्कार क्या नाम है आपका। MD नासिरुद्दीन अंसारी। क्या इनके काम से संतुष्ट हैं। हाँ संतुष्ट हैं हम। आपका क्या नाम है। जैनुद्दीन अंसारी। क्या आप इनके काम से संतुष्ट हैं। हाँ संतुष्ट है। आपका क्या नाम है भाई। मोहम्मद शमीम अंसारी। क्या आप जो है मरंगमय टुड्डू जी से संतुष्ट हैं। जी इनके समर्थन में हैं। जी आपका भाई। हाँ संतुष्ट है। अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। जनता से तो मेरा यही अपील है कि पिछले बार तो देखवे किए हैं इस बार भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके इस बार फिर विजय बनाएं और जो भी बाकी का कार्य है वो हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। इनका कहना है सबका साथ सबका विकास बाकी छूटा भरा जो भी काम है इस पंचवर्षीय में किसी काम की कोई कमी नहीं रहेगी इस पंचायत में। इनका चुनाव निशान है बल्लेबाज छाप
क्रम संख्या 3 पे अंकित है। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मोबाइल न्यूज 24।